उत्तराखंड परिवहन महासंघ के आह्वान पर चंबा नई टिहरी टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन रही हड़ताल पर स्लग मोटर वाहन अधिनियम में जुर्माना राशि कई गुना बढ़ाए जाने के विरोध में आज नई टिहरी में भी टैक्सी बसों व ट्रकों का संचालन रहा। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के बंद रहने से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आकस्मिक सेवाओं पर वाहनों का संचालन नियमित रूप से किया जा रहा है। एसोसिएशन के संरक्षक बलवीर सिंह पुंडिर ने कहा है कि वर्तमान की परिवहन नीति पर संशोधन करें, अगर संशोधन नहीं करते हैं तो अनिश्चित हड़ताल करेंगे रिपीट तथा त्रिस्तरीय चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी। ये एक दिन का है आज सांकेतिक, ये उत्तराखंड परिवहन महासंघ के बैनर तले हो रहा है ये, और ये पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा जो नया मोटर व्हीकल एक्ट जो नियम बनाए गए हैं उसमें हम लोगों ने ये एक दिन का रखा है कि ताकि ये सरकार चेत जाए, उठ जाए और अपनी जो परिवहन नीति जो इन्होंने नई बनाई है उसको वापस ले। लाइव उत्तराखंड के लिए टिहरी से सुभाष राणा की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।